यस न्यूज मराठी चॅनलच्या ताज्या घडामोडींसोबत अपडेट राहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राइब करून घंटी समोरील बटन दाबा आणि अपडेट रहा। नमस्कार, मी जयेश, यस न्यूज मराठी वृत्तवाहिनीच्या बातमीपत्रात सर्व प्रेक्षकांचे मनपूर्वक स्वागत। प्रथम एक नजर टाकूया आजच्या घडामोडींवर। शिवसेनेच्या वतीने वारिसच्या पुतळ्याचे दहन। एमएमच्या वारिस पठाण याने केलेल्या वक्तव्यामुळे त्याच्या पुतळ्याचे दहन करून शिवसेनेने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करीत त्या संदर्भातील निवेदन दिले। 100 कोटींवर 15 कोटी भारी पडतील अशा प्रकारच्या चितवणीखोर व वादग्रस्त विधान करून जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या एमएमच्या माजी आमदार वारिस पठाण याच्या पुतळ्याचे दहन करून नांदेड ते शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले। यावेळी शिवसैनिकांनी वारीच्या पुतळ्याला आधी जोडे मारले व त्यानंतर आंदोलकांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यापर्यंत मोर्चा काढून वादग्रस्त विधान करणाऱ्या वारिस पठाण याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा याकरिता तक्रार दाखल केली। का जो माजी आमदार है वारिस पठाण, हा कुछ उसको श्रेय पाने के लिए इंडिया में छाने के लिए और गौर गरीब मुसलमान को इसका बलि का बकरा बनाने के लिए उन्हें ऐसे वक्तव्य कर रहा। 15 करोड़ हम मुसलमान, 100 करोड़ हिंदुओं को हम गाड़ के दिखाते, तो ये उसका कोई ही वजूद नहीं है, कोई उसकी हैसियत नहीं है, उसके अंदर दम है। तो 15 करोड़ मुसलमान को तू बाजू में रख, तेरे खुद समर्थक जितने मुसलमान है उतने ले क्या बोलना। हम हिंदू एक पे दो लेते बोल, हमारी गारंटी इतनी है कि हम एक के साथ दो दो को लेंगे हम लड़ने के लिए। तू 100 करोड़ से लड़ना तो वो तेरी औकात नहीं है वारिस पठाण, और तेरे साथ साथ दूसरे ये तेरे पक्षवाद भाषण की वजह से पूरे जो रोज मजूरी करने वाले भारत के जो सच्चे मुसलमान है उनको इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा। वारिस पठाण को हम आज नांदेड शिवसेना के तीनों जिला प्रमुख, सहसंपर्क प्रमुख, दोनों तीनों शहर प्रमुख और मैं महानगर प्रमुख, हम चैलेंज करते तेरे माने तुझे कि नहीं, अगर दूध पिलाऊंगा तो नांदेड़ में आना और ये भाषण छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास आके करना, कोई भीड़ भाड़ में नहीं करना। जब तुझे भारत का सच्चा नागरिक, फिर वो मुसलमान भी होगा, तुझे उसका जवाब देगा, वो सच्चा मुसलमान भारतीय तुझे जवाब देगा। हमारी तो बहुत दूर बात है वारिस पठाण, ये जो तू एमआईएम के आवेशी के जो नक्शे कदम पे तू पैर पे पैर रख के चल रहा है उसके तेरे को उसके अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। और वारिस पठाण का आज नांदेड़ जिला शिवसेना के वती से उसका क्या चौरस से उसका पुतले का दहन किया गया है, उसे लातों और जूतों से उसे मारा गया है और उसका निषेध किया गया है। सदर आंदोलन वेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुखांसह शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। प्रतिनिधी नरेश तुक्तीवार, यस न्यूज मराठी वृत्तवाहिनीच्या बातम्यांकरता नांदेड।